सही हो आगे। तो हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एफ के मोटो ब्लॉग्स। तो गाइस, काफ़ी दिन बाद मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। बेसिकली मेरा आज का वीडियो होने वाला है एक्सेस 125 के ऊपर। नई मैंने गाड़ी लिया था, तो इसके ऊपर मैं वेट कर रहा था वीडियो बनाने के लिए। अभी इसका सर्विस फर्स्ट सर्विस हुआ है, तो मैं इसका वीडियो बना रहा हूँ। तो पहला वीडियो इसका बनने वाला माइलेज टेस्ट, क्योंकि मैंने ऐसा सुना है कि इसका माइलेज 50 के ऊपर है। तो मैं आज टेस्ट करने वाला उसका माइलेज, क्योंकि फ्यूल इंजेक्टर है, फ्यूल इंजेक्टर में माइलेज काफ़ी अच्छा देती है गाड़ी। आज वही टेस्ट करने वाला हूँ। तो अभी गाड़ी से मैं पेट्रोल निकाल लिया हूँ, बट थोड़ा बहुत पेट्रोल है। तो अभी मैं रास्ते में जाऊंगा, जहाँ ख़त्म होगा वहाँ 1 लीटर पेट्रोल डालूंगा, उसके बाद वहाँ से अपन माइलेज टेस्ट चालू करेंगे। तो जाते हैं और देखते हैं। पेट्रोल ख़त्म हो गया है, तो गाइस गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म हो गया है, गाड़ी झटके दे रही है। अब यही कहीं से गाड़ी को रोक के इसके अंदर 1 लीटर पेट्रोल डालेंगे, उसके बाद फ्रिज को जीरो करके माइलेज टेस्ट करेंगे। सो गाइस, मेरी गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो चुका है मेन हाईवे पे। तो अभी मैं गाड़ी के अंदर 1 लीटर पेट्रोल डालने वाला हूँ। ये मैंने पेट्रोल निकाला हुआ है गाड़ी में डालने के लिए माइलेज टेस्ट के लिए, और ये बैकअप के लिए रखा हूँ। तो अब इसको बंद करेंगे और इसको खोल के इसके अंदर पेट्रोल डालेंगे। भाई, जैसे गाड़ी में पूरा पेट्रोल ख़त्म हो चुका है, तो आपको गाड़ी चालू करके दिखा देता, गाड़ी चालू हो रही है कि नहीं। जैसे ही गाड़ी बिल्कुल चालू नहीं हो रही है, क्योंकि पेट्रोल नहीं है, तो मैं ये पेट्रोल डालूंगा उसके अंदर। ट्रिप हो गया जीरो। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे अपनी राइड, अपना माइलेज टेस्ट। सो गाइस, अभी मैंने इसका ट्रिप को कर दिया जीरो, अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे अपना माइलेज टेस्ट। कुछ हाईवे पे भी होगा, मोस्टली हाईवे नहीं है, लोकल में भी अपन टेस्ट करेंगे, लोकल में भी गाड़ी को चलाएंगे, क्योंकि हाईवे और लोकल में डिफरेंस होता है माइलेज का, तो दोनों जगह पर चला के देखेंगे। अभी तक गाड़ी चल चुकी है 22.8 किलोमीटर। अभी तक ये कांटा ब्लिंक नहीं किया है इसका, अभी छोटा वाला कांटा ब्लिंक कर रहा है। अभी तक चल चुकी है 44 किलोमीटर। ये हाईवे पे हूँ, तो देखते हैं लास्ट कितना चलती है। मुझे लग रहा है कि 50 किलोमीटर चलनी चाहिए, अब देखते हैं कितना चलती है। सो गाइस, गाड़ी 52.3 किलोमीटर चल चुकी है और अभी भी गाड़ी चालू है। तो इसको आगे जाके और चेक करते हैं लास्ट टू लास्ट कितना चलती है गाड़ी। तो गाइस, गाड़ी में पेट्रोल एकदम ख़त्म होने वाला है, 53.8 किलोमीटर तक चल चुकी है अभी तक, और गाड़ी अभी झटके देने स्टार्ट कर दी है। इसका माइलेज टेस्ट हो चुका है, इसका गाड़ी चली है 54 किलोमीटर 1 लीटर पेट्रोल में। अभी गाड़ी बिल्कुल चालू नहीं हो रही है, बंद पड़ गई है। अब मैं बिल्डिंग जाऊंगा, इसका व्लॉग एंड करूंगा।
सो गाइस मैं 2-3 दिन बाद ब्लॉग एंड करवा के, उस दिन काफ़ी रात हो गई थी, उसके बाद मुझे टाइम नहीं मिला वीडियो एंड करने का। तो बेसिकली मैंने अपनी गाड़ी में 1 लीटर पेट्रोल डाला था, पहले मैंने गाड़ी से पेट्रोल निकाल लिया था, उसके बाद जितना गाड़ी में पेट्रोल था उतना चलाया मैं, थोड़ा दूर गाड़ी चली, उसके बाद मैंने 1 लीटर पेट्रोल डाला, उसके बाद मैंने माइलेज टेस्ट किया। मैं लोकल में और हाईवे पे दोनों मिक्स चलाया हूँ, तो मेरी गाड़ी का एवरेज निकला है 54 किलोमीटर, और जो कंपनी क्लेम करती है वो कुछ 50 किलोमीटर या 51 किलोमीटर क्लेम करती है, बट मेरी गाड़ी का एवरेज उससे ज़्यादा निकला है और काफ़ी अच्छा माइलेज है एक्सेस 125 के हिसाब से, जैसे कि अभी दूसरी गाड़ियाँ डीओ वगैरह के हिसाब से काफ़ी अच्छा माइलेज है वो गाड़ी का एक्सेस का। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया होगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में।